साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई के अड्डा तेज पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी न्यूज़ टुडे प्राइमरी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डीएलएड कोर्स बैंड यूपीएसएससी भर्ती न्यूज़ टुडे। जानिए सब कुछ इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। 5 साल में 20 लाख नए बेरोजगार, भर्ती का इंतजार। बेसिक और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 5 साल से नई हुई भर्ती प्रतियोगियों का दावा। प्राइमरी से उच्चतर शिक्षा तक 1,75,000 पद खाली हैं। प्रदेश में हर साल डीएलएड के 2,41,000 व बीएड के 2,40,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाते हैं। 5 साल में विभिन्न संस्थानों ने कम से कम 20 लाख बेरोजगारों को बीएड की डिग्री व डीएलएड के तहत डिप्लोमा दिए, लेकिन जिन भर्तियों के लिए इन बेरोजगारों ने बीएड व डीएलएड की पढ़ाई की, वे 5 साल से अटकी हैं। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती वर्ष 2018 में आई थी, इसके बाद से अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरवाए थे। 13,09,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, जिन्हें साल भर से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। ठीक यही स्थिति महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए साल भर से परीक्षा तिथि की घोषणा का इंतजार कर डिग्री डिप्लोमा देकर भर रही सिर्फ संस्थानों की जेब। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि हर साल लाखों छात्र सरकारी एवं निजी संस्थानों से बीएड व डीएलएड करते हैं। फीस के रूप में संस्थान करोड़ों रुपये कमाते हैं और लाखों रुपये खर्च करके पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र भर्ती के इंतजार में बेरोजगार ही रह जाते हैं। नहीं दे सकते नौकरी तो बंद करे कोर्स। भर्तियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सरकार से मांग की, एडिट कॉलेजों में भर्ती यूपीएसएससी से कराने की तैयारी। एहसास के सहायता प्राप्त एडिट महाविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती वहां की समिति करती है, लेकिन आने वाले दिनों में भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी से कराई जा जाएगी। सरकार की मंशा है कि शैक्षणिक संस्थान जिन वित्त पोषित पर सभी तरह की भर्तियाँ कराई। अभी कॉलेज के प्रबंधक समिति करती है भर्ती, कई मामले कोर्ट में लंबित है। भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं कुछ कॉलेजों को हाई कोर्ट ने। प्यारे अभ्यर्थियों, टीजीटी और पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है और विधायक ने भी कहा है कि हम इस बात को आगे तक ले जाएंगे और जैसे ही कोई उपयुक्त सवाल या पॉजिटिव सूचना आती है तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।